Are you struggling with the concept of solutions in chemistry for Class 12, CBSE, and other state boards? Ignited Minds Tutorials is here to help. We have uploaded a series of videos covering all the necessary topics related to solutions, specifically designed to help you prepare for your board exams as well as competitive examinations like IIT, NET, CT, and more. Our easy-to-understand explanations and in-depth analysis will help you grasp the concepts with ease. Whether it's understanding the different types of solutions, calculating molarity, molality, or understanding colligative properties, our tutorials cover it all. With our comprehensive study material and expert guidance, you can be sure to ace your exams with confidence. So, why wait? Join us on this learning journey, and let's explore the fascinating world of solutions in chemistry together. Whether you are a visual learner or prefer step-by-step explanations, we have got you covered. Get ready to ignite your mind and excel in your academic pursuits. Okay, Bachabadi, we were studying abnormal colligative properties. Anybody, what are abnormal colligative properties? रीजन क्या होता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को? पहली बात तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, फटाफट आदित्य, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, आर एल वी पी का क्या हो जाएगा भाई साहब? फटाफट से, एकदम फटाफट जाना है भाई साहब, फटाक से. डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट, पी ए नॉट इज इक्वल टू साई ऑफ बी. ठीक है, ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर. और बोलो भाई साहब, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये कितना हो जाएगा? के एफ इंटू एम. और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम. ओके, और पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये कॉन्सेंट्रेशन है और आर टी के टर्म्स है. ठीक है, ये चार आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों है? व्हाई आर दे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, ओके, सो अपन भाई साहब यहाँ पे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस का आना. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस तब आएगा जब, देखो ये सारे जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, they are dependent on the number of solute particles. So the moment there is a difference in the expected number of solute particles and actually what is happening, you will get an abnormal colligative property. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर आपके solution में क्या हो रहा हो, why and when will you absorb abnormality in the colligative property, बच्चा पार्टी? When the solution or when the solute in the solution, अगर solute भाई साहब solution में क्या हो रहा हो, डिसोसिएट कर रहा हो, डिसोसिएट कर रहा हो या असोसिएट कर रहा हो. ठीक है, इफ द सॉल्यूट इज डिसोसिएटिंग और असोसिएटिंग इन द सॉल्यूशन, देन यू विल नोटिस एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो आपके एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भाई साहब आप नोटिस करेंगे. ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है, चाहे सॉल्यूशन डिसोसिएट करे या एसोसिएट करे, व्हाट इज इट इंपैक्टिंग? द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के पे ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके डिपेंडेंट है. तो या तो अगर आपका डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे, अगर ये बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंपैक्ट होंगी. अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे तो आपका भाई साहब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंपैक्ट हो जाएंगी. आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो अगर समझो अपन ने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, वन मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, लेट्स से एन, ये हो गया भाई साहब. ओके, चलिए भाई साहब, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अपन क्या करते हैं, वेंटॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं. वेंटॉफ फैक्टर क्या हो जाएगा बोलो? आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्चुअल अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज एक्सपेक्टेड. अगर डिसोसिएशन हुआ रहेगा तो, अगर भाई साहब दो डिसोसिएशन हुआ, जैसे आपका के और सी एल है तो दो मोल्स बन रहे हैं आपके, तो आप जब पोटेशियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग वन, ठीक है, यू आर गेटिंग टू. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू अपॉन वन, दैट इज टू. ठीक है, समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सपेक्टेड. आप यहाँ पे सोल्यूशन के हिसाब से क्या सोच रहे थे? सोल्यूशन के हिसाब से भाई साहब आप सोच रहे थे कि ये सिर्फ KCl होगा, क्यों? तो आप सोल्यूशन के हिसाब से क्या सोच रहे थे, KCl ही होगा, लेकिन आपको सोल्यूशन में क्या मिल रहा है, K+ और Cl- दो मिल रहे हैं.
तो दो मोल्स मिल रहे हैं आयन्स के और यहाँ पे वन, तो ये हो जाएगा टू. आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, समझ में आता हम भाई साहब. अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. तो वैन थॉफ फैक्टर से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं. सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आप क्या कर देंगे, जहां पे भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा हो, यू विल गेट इट मल्टीप्लाइड बाय वैन थॉफ फैक्टर. ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस पीपल हम. ठीक है, ओके ओके ओके. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. तो ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, विच एक्चुअली डिपेंड ऑन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट. एसोसिएशन और डिसोसिएशन बोथ विल कॉज अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच कैन बी करेक्टेड बाय इंट्रोड्यूसिंग वैन थॉफ फैक्टर. तो आपका वैन थॉफ फैक्टर क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व. वैन थॉफ फैक्टर फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू वन. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है जो भाई साहब डिसोसिएट करे? फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड को अगर आपने वाटर में डिजोल्व किया, इट इज गोइंग टू डिसोसिएट इन टू आयन्स. तो कभी भी आपका जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होंगे वो भाई साहब आयन्स बनाएंगे ही बनाएंगे, और उनका वैन थॉफ फैक्टर कभी भी वन नहीं होगा. इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वन. मतलब एक के दो बन जाएंगे, दो के चार बन जाएंगे, ऐसा होगा. ठीक है, सो वैन थॉफ फैक्टर फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू वन. इफ इट इज एसोसिएशन, अगर भाई साहब एसोसिएशन हो रहा है तो वैन थॉफ फैक्टर विल बी लेस देन वन. If it is dissociation, then van 't Hoff factor I will be greater than 1. इस van 't Hoff factor से आपको colligative property को multiply करना है to get the real colligative property, to get the real value. ठीक है? Okay. Van 't Hoff factor for non-electrolytic solutions. ये non-electrolytic solutions क्या होंगे? जिसको आपने water में dissolve किया हो, non-electrolytic are basically non-polar. जो भाई साहब आपके ions बनाएंगे ही नहीं. हाँ? Sugar, urea. ठीक है, ये सारे आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हो जाएंगे. ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक और नॉन पोलर इज इक्वल टू वन एज दे डू नॉट अंडरगो ईदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सक्रोज हो गया, ऑल दीज आर बेसिकली नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस. ठीक है, तो दे आर नॉट गोइंग टू डिसोसिएट और एसोसिएट. तो भाई साहब जो आपका रियल वैल्यू है वही एक्सपेक्टेड वैल्यू है. ठीक है, आप थियोरेटिकली जितना कैलकुलेट करेंगे उतना ही आपको एक्सपेरिमेंटली भी मिलेगा. थियोरेटिकली जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंटली अगर आपको नहीं मिल रहा है, सो द सॉल्यूट इज अंडरगोइंग ईदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. इफ इट इज अंडरगोइंग एसोसिएशन, द वैन थॉफ फैक्टर विल बी लेस देन वन. इफ इट इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन, द वैन थॉफ फैक्टर विल बी ग्रेटर देन वन. व्हाटएवर द केस, योर वैन थॉफ फैक्टर इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन वन. ठीक है, क्लियर है? अपॉन वन. क्लियर है? समझ में आ रही है भाई साहब? ओके ओके ओके. So, जैसे यहां पे देखो, कंसिडर द वैन थॉफ फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन्स इन द रिस्पेक्टिव यूनिट्स. व्हाट इज द वैन थॉफ फैक्टर फॉर द फॉलोइंग केमिकल स्पीशीज? ठीक है, बोर्ड्स में और नीट में ये सवाल पूछा गया है. ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई साहब. यहां पे देखो, NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड है. इज इट एन इलेक्ट्रोलाइट? इज इट गोइंग टू डिसोसिएट? यस. ठीक है, तो यहां पे NaCl डिसोसिएट्स इनटू Na+ एंड Cl-. सो वैन थॉफ फैक्टर बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा? यहां पे वैन थॉफ फैक्टर विल बी इक्वल टू 2. ठीक है, सो वैन थॉफ फैक्टर विल बी इक्वल टू 2. व्हाई? बिकॉज वन मोल ऑफ NaCl, वन मोल ऑफ NaCl विल डिसोसिएट इनटू Na प्लस Cl माइनस. तो ये भाई साहब एक एक मोल के हो गया, दो मोल्स. तो वैन थॉफ फैक्टर कितना हो गया? 2 अपॉन इधर का 1. तो दिस विल बी 2. तो वैन थॉफ फैक्टर आपका हो गया 2. क्लियर हम पीपल हम? ठीक है, ओके. अभी आते हैं भाई साहब यूरिया. यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, नॉन पोलर है, और उसको पोलर में आप डाल रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो यूरिया इज गोइंग टू रिमेन. फॉर यूरिया वैन थॉफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 एज देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन. तो ना ही इसमें कोई एसोसिएशन होगा और ना ही भाई साहब डिसोसिएशन होगा. ठीक है, नीदर इट विल अंडरगो एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन, नीदर इट विल अंडरगो एनी काइंड ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है, क्लियर है? ओके. Al2, अभी यूरिया मतलब NH2 CONH2. बहुत बार यूरिया पे और शुगर पे ही आपके सवाल इस चैप्टर में बनेंगे. ठीक है, ओके. फॉर Al2SO4 3, ये आपका भाई साहब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है. बिल्कुल है भाई साहब, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, Al2SO4 3 को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कैसे ये डिसोसिएट होगा भाई साहब? ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब SO4 3 है, आई एम सो सॉरी. ठीक है, तो आपका भाई साहब ये क्या हो जाएगा? SO4 2 - Al2Al3+. ठीक है, और यहाँ पे SO4 2-. ठीक है,
ओके तो आपके भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा इनटू 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, क्या ये समझ में आ रहा है? न्यूट्रल रखना है ना, इधर न्यूट्रल है तो आप देखो 2 इनटू 3 प्लस कितना हो गया 6 प्लस का चार्ज, और यहां पे 3 इनटू 2 माइनस कितना हो गया 6 माइनस का चार्ज, तो कितना हो जाएगा 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो आपके भाई साहब कितने आयंस बन रहे हैं यहां पे 2, और यहां पे कितने बन रहे हैं भाई साहब 3, Al2O4 वैन टॉप फैक्टर कितना हो जाएगा देखो 5। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? समझ में आता हूं, देखो 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 Al2SO4 3 है ना, Al2SO4 3 है भाई साहब, ये एक सॉल्ट है, जैसे ही आप इसको वाटर में डालोगे तो ये भाई साहब डिसोसिएट होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, तो ये क्या बनाएगा 3 प्लस बनाएगा, और SO4 की वैलेंसी है 2 माइनस। अभी आपको चार्जेस को बैलेंस करना पड़ेगा दोनों तरफ, इधर क्या है न्यूट्रल चार्ज है, इधर क्या है 3 प्लस और 2 माइनस, तो 2 माइनस को आप 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 प्लस को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे कितना हो गया 6 प्लस और 6 माइनस। देखो क्या ये मॉलिक्यूलर वाइज और चार्ज वाइज ये इक्वेशन दोनों तरफ बैलेंस्ड है, ठीक है। तो आपका भाई साहब कितने कितने डिसोसिएशंस हो रहे हैं, तो 2 आपके मोल्स बने किसके Al के, और 3 मोल्स बने भाई साहब कितने सल्फेट के, ठीक है। यहां पे 1 मोल भाई साहब इसका था, तो वैन टॉप फैक्टर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन 1, तो दैट विल बी 5। वैन टॉप फैक्टर आपका देखो कितना आ गया 5। क्लियर है, आर वी क्लियर? डिसोसिएट्स इनटू 2Al एंड 3SO4। ओके, NaOH, NaOH क्या हो जाएगा भाई साहब? NaOH को डिसोसिएट, क्या ये डिसोसिएट होगा? बिल्कुल होगा, बेस है भाई साहब, तो ये Na प्लस प्लस OH माइनस। अगेन क्यों क्यों जबरदस्ती भाई साहब, Na प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। ओके, वैन टॉप फैक्टर भाई साहब कितना हो जाएगा 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो दिस इज नॉर्मल वैन टॉप फैक्टर का भाई साहब, और हाँ यहाँ पे आप 100% डिसोसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं कहीं पे आपका 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, जैसे एसिटिक एसिड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो उसका 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है, फिर आपको रेट ऑफ डिसोसिएशन पे जाना पड़ेगा। ओके ओके ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैन टॉप फैक्टर इन एन एक्वस सॉल्यूशन, चलिए बताइए। 1 मोल ऑफ शुगर, तो आपका भाई साहब 1 मोल ऑफ शुगर ये भाई साहब वैन टॉप फैक्टर देगा ही नहीं, क्यों आदित्य? हाँ? नहीं नहीं नहीं, आप बताइए, ट्राई कीजिए आप, डिसोसिएशन ही नहीं होगा इसका भाई साहब, शुगर का कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है। शुगर आपका भाई साहब नॉन पोलर सॉल्यूट है, इसको अगर आप वाटर में डालोगे तो कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, तो वैन टॉप फैक्टर की जरूरत नहीं, ठीक है। 1 मोल ऑफ यूरिया, ये बताओ आप, नो, क्यों? क्योंकि इसका भी डिसोसिएशन नहीं होगा, यूरिया का भी कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, तो वैन टॉप फैक्टर नहीं बनता इसमें। ओके, Al2SO4 3 का भी आपने देखा वैन टॉप फैक्टर कितना आया 5। 1 मोल ऑफ NaCl का कितना आ जाएगा Na+Cl-, तो आपका हो गया 2, तो दोनों में से सबसे ज्यादा इसका 0, इसका 0, इसका 5, इसका 2, तो ये हो जाएगा आपका Al2SO4 3। तो विच इज द वन विच विल गिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैन टॉप फैक्टर इन एन एक्वस सॉल्यूशन, दैट विल बी 1 मोल ऑफ Al2SO4 3, ठीक है। द सब्सटेंस विच कैन डिसोसिएट इनटू द मोस्ट नंबर ऑफ आयंस विल हैव द हाईएस्ट वैन टॉप फैक्टर दैट इज वैल्यू। सो लेट्स चेक फॉर द ऑप्शन, फॉर शुगर वैन टॉप फैक्टर इज इक्वल टू 1, वैन टॉप फैक्टर 0 नहीं होगा, लेकिन कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, इधर भी 1 रहेगा इधर भी 1 रहेगा, समझ में आ रहा है? तो 1/1 हो जाएगा, ठीक है, 0 नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन 1 इधर भी है इधर भी है, तो वैन टॉप फैक्टर फॉर शुगर इज 1 एज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, फॉर यूरिया वैन टॉप फैक्टर आई इज इक्वल टू 1 एज देर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। Al2SO4 तो आपका भाई साहब कितना हो गया 5, अभी हमने देखा कैसे हो रहा है ये, तो आपका वैन टॉप फैक्टर कितना हो जाएगा 5/1, क्योंकि इधर 1 मोल है और इधर 5 मोल हो गए, ठीक है। NaCl वैन टॉप फैक्टर कितना हो जाएगा, Na is equal to 1 हो जाएगा, कितना है Na+Cl, तो यहां पे 2 as NaCl dissociates into Na+ and Cl-, क्या ये समझ में आ रहा है वैन टॉप फैक्टर क्या है? ओके ओके ओके, करेक्टेड। अभी देखो ये जो वैन टॉप फैक्टर है इसको आप कैसे अप्लाई करते हो, आपने भाई साहब पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज डेल्टा पी बाई पी ए नॉट, कितना होता है साई बी, जैसे ही किसी मॉलिक्यूल का एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा उसका आप वैन टॉप फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे और उस वैन टॉप फैक्टर को साई बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ रहा है? जितने भी आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं अगर एबनॉर्मल बिहेवियर दिखा रहे हैं दे विल शो एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ देयर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ओनली ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन, इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस यू गेट दिस मल्टीप्लाइड बाय द वैन टॉप फैक्टर, ठीक है। तो आपका डिप्रेशन इन फ्यूजिंग पॉइंट कितना होता है, देखो नॉर्मली डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू एम, वेयर के एफ इज बेसिकली द साइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टेंट और एम हो गया आपका मोलालिटी, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर वैन टॉप डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है
तो वैन टॉप फैक्टर से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. अगेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी क्या होता है, के बी इंटू एम होता है. के बी इज बेसिकली योर एल्बिस्कोपिक कॉन्स्टेंट. एल्बिस्कोपिक कॉन्स्टेंट अगर आपका डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो आई इंटू एल्बिस्कोपिक कॉन्स्टेंट इंटू मोलालिटी. ठीक है. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई सी आर टी होता है. पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है यहाँ पे आई इंटू सी. तो जितने भी आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बस कुछ नहीं करना है, उसको वैन टॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. क्लियरम क्लियरम क्लियरम. बहुत बढ़िया भाई साहब. ओके दूसरा तरीका क्या है वैन टॉप फैक्टर को निकालने का. अगर समझ लो आपने एक्सपेरिमेंटल जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आया है अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है. वैन टॉप फैक्टर को अगर आपको एसोसिएशन या डिसोसिएशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे. एक्सपेरिमेंट करने के हिसाब से आपका एक कैलकुलेटेड या थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू रहेगा, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर हो. इन सबके फॉर्मूलेज आपको मालूम है. फॉर्मूले के हिसाब से एक आपका कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको एक दूसरा एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिख रहा है. तो एक्सपेरिमेंटल अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज वैन टॉप फैक्टर. आई विल बी इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थियोरिटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. तो आई इज इक्वल टू नॉर्मल और थियोरिटिकल मोलर मास. ये दूसरा है भाई साहब, नॉर्मल और थियोरिटिकल मोलर मास अपॉन अबनॉर्मल और अब्सॉर्ब्ड मोलर मास. भाई साहब मोलर मास आप बेसिकली यूज कर रहे हैं किसको कैलकुलेट करने. अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मालूम है तो आपने देखा इसके पहले हमने सवाल किए हैं जहां पे हमने मोलर मास कैलकुलेट किया है. ठीक है. तो अब नॉर्मल और थियोरिटिकल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल और अब्सॉर्ब्ड मोलर मास. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. तो ये तीन भी आपने याद रखिए, नंबर ऑफ थियोरिटिकल मोलर मास, नॉर्मल और थियोरिटिकल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल और अब्सॉर्ब्ड मोलर मास. ठीक है. तो वैन टॉप फैक्टर के ये कन्वर्जन याद रखिए. ओके डिसोसिएशन. ठीक है. जैसे अगर आप देखोगे लेट्स हैव 12 चॉक पीसेस ऑफ 36 ग्राम्स. 12 चॉक पीसेस हैं और इनका भाई साहब टोटल मास है 36 ग्राम्स. देन ब्रेक ईच चॉक इनटू टू पीस. नाउ यू हैव 24 पीसेस ऑफ चॉक. ठीक है. बट ऑफ द सेम मास दैट इज 36 ग्राम्स. नाउ इफ यू टेक 12 चॉक पीसेस फ्रॉम 24 चॉक पीसेस द मास ऑफ 12 चॉक पीसेस विल बी हाउ मच, 18. ठीक है. ओनली द मास ऑफ 1 dozen चॉक पीसेस डिक्रीजेस फ्रॉम 36 टू 18. क्या ये समझ में आ रहा है? तो पहले भाई साहब 1 dozen का कितना था, 36. अभी आपने तोड़ दिया है, तोड़ देने के बाद इसका कितना डिक्रीज हो गया भाई साहब, 18 हो गया. क्या ये समझ में आ रहा है? इस 12 का आपने क्या कर दिया, 24 कर दिया, तोड़ तोड़ के आधा आधा करके. ठीक है. तो अभी आपके पास 12 चौक पीसेस का मास कितना हो जाएगा भाई साहब, तो दिस विल बी बेसिकली फ्रॉम 36 इट हैज रिड्यूस्ड टू 18. इन द सिमिलर वे डिसोसिएशन डिक्रीजेस द मोलर मास. तो डिसोसिएशन आपके मोलर मास को डिक्रीज करता है. ठीक है. एसोसिएशन सपोज वी आर हैविंग अ सेलो चेयर ईच हैविंग अ मास ऑफ 100 ग्राम. सो अ डजन मास ऑफ 12 चार्ज कितना हो जाएगा भाई साहब, 1200. इफ वी ग्लूड टू चेयर्स, दो चेयर को आपने जोड़ दिया एंड नाउ दे आर लुकिंग लाइक वन चेयर ओनली, सो द नंबर ऑफ सच चेयर्स विल बी 6 ओनली. ठीक है. बट द मास रिमेन्स एज 1200 ग्राम. तो पर मास कितना हो गया भाई साहब, पहले आपका एक का मास कितना था 100, अभी आपका एक का मास कितना हो गया 200. ठीक है. सो वी कैन कंक्लूड दैट इन द एसोसिएशन डजन मास इंक्रीजेस. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? यही फर्क आपका एसोसिएशन और डिसोसिएशन में हो रहा है. दिस इज द सेम थिंग दैट इज हैपनिंग इन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन. ठीक है. ओके व्हेन एनी सॉल्यूट अंडरगोस एसोसिएशन और डिसोसिएशन द टोटल मास ऑफ देम डज नॉट चेंज ऑल्दो द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्वेंट चेंजेस. ठीक है. ओके बट अपॉन एसोसिएशन और डिसोसिएशन मोलर मास डज नॉट does change although total mass doesn't. So molar mass changes because in these conditions molar mass depends upon the smallest unit of solute which exists in the solution which is definitely affected by either association or dissociation. Okay, अभी देखते हैं भाई साहब degree of association जो आप chemical kinetics में भी ज़्यादा पढ़ोगे. खैर यहाँ पे देखो अगर समझ लो degree of association क्या है, समझ लो AN number एक solute है. ठीक है. जिसका भाई साहब AN है, ये आपका एसोसिएट कर रहा है इनटू एनए पार्ट्स. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन. तो आपका भाई साहब डिसोसिएशन कितना हो रहा है. ठीक है. ओके ओके ओके. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले अपन देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है. सो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चा पार्टी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन. कितना एक्सटेंट में डिसोसिएशन हो रहा है.
सपोजिटली सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सल्यूट, एक सल्यूट है ए एन इन वन लीटर ऑफ द सोल्यूशन विच डिसोसिएट्स, ऐसा डिसोसिएशन हो रहा है। देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी, ये ए एन है और ये क्या बना रहा है एन ए, ए एन इज बेसिकली फॉर्मिंग एन ए, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है सी, ये आपने जीरो बना है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मतलब देखो पूरा डिसोसिएट नहीं कर रहा है, नॉट डिसोसिएटिंग कंप्लीटली, इसके पहले जितने भी आपने एग्जाम्पल्स कंसिडर किए वहां पे 100% डिसोसिएशन बना है। लेट से यहाँ पे 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, लेट से आपका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब ये सी था इसमें से सी अल्फा निकल गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है अल्फा, तो मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन का अल्फा पार्ट निकल गया, ये कॉन्सेंट्रेशन था पहले, अभी अल्फा पार्ट इसमें से निकल गया, मतलब सी अल्फा निकल गया, ठीक है। ओके यहां कितना हो जाएगा, देखो एन इंटू अल्फा इंटू सी, एन इंटू अल्फा इंटू सी, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, क्लियर है। ओके अभी वैंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, अभी कैलकुलेट करो इधर कितना है सी माइनस सी अल्फा, मतलब आपके प्रोडक्ट्स की तरफ कितना है सी माइनस सी अल्फा, और रिएक्टेंट्स की तरफ कितना है भाई साहब एन इंटू अल्फा इंटू सी। भाई साहब देखो यहां पे अगर इसका देखो एक अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना है ना अल्फा, तो इसके भाई साहब अल्फा सी बनेगा, एन अल्फा सी बनेगा ये, ठीक है, ए एन एन ए बना रहा है तो अल्फा कितना बनाएगा एन अल्फा सी, समझ में आ रहा है भाई साहब, ए एन आपका कितना बना रहा है एन ए बना रहा है, तो अगर भाई साहब अल्फा इसका डिसोसिएट हुआ तो ये कितना बनाएगा एन अल्फा, ठीक है, अल्फा सी डिसोसिएट हुआ तो एन अल्फा सी, तो ये अल्फा अल्फा सी हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया सी माइनस सी अल्फा प्लस एन अल्फा सी अपॉन सी, ऊपर सी और अल्फा कैंसिल हो गया तो यहां पे कितना हो गया वन माइनस अल्फा प्लस एन सी अपॉन सी, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो वन प्लस अल्फा, अभी देखो यहां पे ओके ठीक है भाई साहब, यहां पे हमने अल्फा को कॉमन ले लिया, सो यहां पे हो गया आपका ओके, सो दिस विल बी वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, अरे रुकना सी तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, अपॉन वन ये आ रहा है ना, ठीक है। तो अगर भाई साहब मैंने इसमें अल्फा को कॉमन ले लिया तो ये हो गया वन माइनस अल्फा को कॉमन लिया, तो अंदर कितना बचेगा बोलो, दिस विल बी एन माइनस वन, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है, एन माइनस वन हो गया, ये अल्फा वन प्लस सॉरी वन प्लस अल्फा को कॉमन लिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे बचा कितना तुम्हारा वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है, तो ये हो गया आपका वन प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा, तो वन प्लस अल्फा इंटू एन माइनस वन, वन प्लस अल्फा इंटू एन माइनस वन, ठीक है, ये हो गया आपका वैंट ऑफ फैक्टर। तो अल्फा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, देखो वैंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, आई इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा इंटू एन माइनस वन, अभी भाई साहब इसको इधर ले लो तो आई माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा इंटू एन माइनस वन, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ये हो गया आपका अल्फा का वैल्यू। हेंस फॉर डिसोसिएशन आई की वैल्यू कितनी होगी वन प्लस अल्फा इंटू एन माइनस वन, और भाई साहब आपका अल्फा की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए एन मॉलिक्यूल बना रहा है भाई साहब आपका एन ए, तो इसका मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन अगर सी है तो सी माइनस सी अल्फा होगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और फाइनली यहाँ पे कितना बनेगा एन अल्फा सी, तो सी माइनस सी अल्फा प्लस एन अल्फा सी हो गया फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है सी, कैंसिल कैंसिल करोगे भाई साहब तो इतना बचेगा, इसमें से आप अल्फा और आई दोनों को भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। दिस इज इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अगर आपको दिया हो भाई साहब डिसोसिएशन की डिग्री कितनी है अल्फा, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके 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 इज इट रिक्वायर्ड एक बार और, नहीं ओके चलिए चलिए देख लेते कोई दिक्कत नहीं, अरे 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 ओके चलिए भाई साहब देख लेते हैं। यहां पे आपका समझ लो आपका कोई प्रोडक्ट का भाई साहब डिसोसिएशन हो रहा है, क्यों भाई साहब ये डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ सल्यूट, एक कोई सल्यूट है नॉन वोलाटाइल जो भाई साहब क्या कर रहा है सल्यूशन में इसका डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। ओके तो आपका लेट से ए एन है सल्यूट विच इज बेसिकली डिसोसिएटिंग इंटू एन ए, ठीक है, क्लियर है। आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेट से आपका सी है, ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट अभी बना नहीं है तो ये जीरो होगा, ठीक है। अगर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है कितना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या है, एक टाइम के बाद ये रिएक्शन जो है स्टॉप हो जाएगा,
जब अल्फा आपका डिसोसिएट कर गया ना, तो ये रिएक्शन ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप नहीं होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. द रेट एट विच द सोल्यूशन इज गेटिंग फॉर्म विल बी द सेम एज द रेट एट विच द सोल्यूशन इज डिसोसिएटिंग. मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोसिएशन, द रेट ऑफ डिसोसिएशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन हो जाएगा. ठीक है, ओके. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया. अभी लेट से आपका एन अल्फा गया इसमें से, ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो. दिस विल बी बेसिकली व्हाट, यहां पे आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन सी माइनस कितना हो जाएगा, हाँ, सी अल्फा गया भाई साहब आपका, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन से अल्फा डिसोसिएट कर गया है, तो सी माइनस सी अल्फा हो जाएगा. अभी हमने देखा कि भाई साहब एक मोल इधर का कितना बनाता है एन, तो अगर भाई साहब सी अल्फा डिसोसिएट होगा तो यहां पे कितना बनेगा, एन सी अल्फा बनेगा भाई साहब, समझ में आ रहा है. इसका एक मोल डिसोसिएट होता है तो यहाँ पे एन मोल्स बनता है, एक मोल डिसोसिएट होता है तो एन मोल्स बनता है. अगर यहाँ पे सी अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो यहाँ पे कितना बनेगा, बस एन सी अल्फा, तो यहाँ पे कितना बना भाई साहब, एन सी अल्फा. अभी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसको अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर. तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन भाई साहब कितना हो गया, सी माइनस सी अल्फा प्लस एन सी अल्फा अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सी. ठीक है, इसमें से सबको सी को कॉमन निकालोगे तो सी यहाँ पे कितना बचेगा, वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा और अपॉन सी, तो ये और ये कैंसिल हो गया भाई साहब. ठीक है, अब इन दोनों में से अल्फा को कॉमन निकाल लो, तो ये आई इज इक्वल टू वन प्लस एन इंटू, सॉरी, अल्फा इंटू एन माइनस वन, ये हो गया आपका आई. ठीक है, क्लियर है, ओके. अभी हम भाई साहब यहाँ पे, तो ये हो गया वेंट ऑफ फैक्टर को जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो. अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए तो क्या हो जाएगा, इस आई को इधर रखो, इस वन को इधर लेकर आओ, तो आई माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा इंटू एन माइनस वन. तो भाई साहब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन. क्लियर है, ये हो गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो या तो आप वेंट ऑफ फैक्टर से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से वेंट ऑफ फैक्टर निकालिए, इट्स वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, are we clearum 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 peopleum on this one? okay okay okay. to yahan pe aapka ho gaya, dekho I is equal to 1 plus alpha into, abhi degree of dissociation, jaise samjho yahan pe NaCl jo hai bhai sahab wo ek kya hai, strong electrolyte hai. kyun strong electrolyte hai aur iska 100% dissociation kyun hoga, kyunki ye bana hai kisse, strong base aur ek strong acid se bana hai, that is NaOH. ओके, अभी देखो यहां पे सोडियम क्लोराइड का क्या है, 100% आयनाइज होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड. व्हाई इज इट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज इट इज फॉर्मड आउट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl. तो जब भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनता है तो जो सॉल्ट बनता है उसका 100% डिसोसिएशन होना ही होना है. तो 100% जिसका भी डिसोसिएशन होगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, 1, सिंपल. ठीक है, अभी 1 में क्या ही कैलकुलेट करें, देखो यहां पे आपका आई कितना हो जाएगा, आई आपने देखा यहां पे 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस वन होता है. ठीक है, तो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1, और यहां पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच इट इज डिसोसिएटिंग इनटू एनए और सीएल, 2, तो 2 माइनस 1, तो वेंट ऑफ फैक्टर यहां पे आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2. आर वी क्लियर? जैसे बेरियम क्लोराइड है, देखो ये भी आपका क्या बनाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1, और बेरियम क्लोराइड है तो बी ए टू प्लस प्लस टू सी एल माइनस बनाएगा भाई साहब. ओ भाई साहब, अरे 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 अरे, तो यहां पे देखो इधर आपका एन ए है. ठीक है, देखो इधर आपका एन ए सी एल है, एन ए सी एल क्या बना रहा है भाई साहब, आपका एन ए प्लस प्लस सी एल माइनस. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एन कितना हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए भाई साहब, 2, तो यहाँ पे एन की वैल्यू देखो 2 हुई, 2 माइनस 1, तो ये आपका हो गया ऐसे 2. ठीक है, बेरियम क्लोराइड है, देखो बेरियम क्लोराइड तो BaCl2 एक्वा सॉल्यूशन में क्या फॉर्म करेगा, Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, है कि नहीं? तो आपके दो मॉलिक्यूल्स इसके और एक इसका, 3 हो गया इसका, सिंपल. यहां पे देखो अल्फा की वैल्यू 1, 3 माइनस 1, तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब, 3. इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कैलकुलेट करो या तो सिंपल तरीके से कैलकुलेट करो. आई क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, 2/1, सिंपल. Number of moles after dissociation there is 1 plus 2, 3. Number of moles before dissociation there is 1. So 3/1, there is 3. I की value देखो, अगर आप simple तरीके से calculate करोगे तो यहाँ पे क्या है,
नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, बेरियम का एक, क्लोरीन का दो, तो तीन, थ्री अपॉन वन, सिंपल, और वही आया देखो थ्री, वेंट ऑफ फैक्टर थ्री आया। इतने लंबे चौड़े कैंप नो से करो और ऐसे सिंपली करो तो भी आपको सेम ही आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे देखो दिस इज बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहाँ पे आपका 75% आयनाइजेशन हो रहा है, ठीक है 75%, जहां पे भी आपको 100% आयनाइजेशन होगा ना वहां पे बाय डिफॉल्ट अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट भाई साहब अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अभी K4FeCN6, ठीक है बहुत ध्यान से देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, K4 है प्लस, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर जो आप पढ़ने वाले हो दोनों भी बोर्ड्स में, यहां पे क्या हो जाएगा जैसे K4 चला गया तो यहां पे क्या बचा बोलो, FeCN6, ठीक है यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4K+, और ये हो जाएगा कितना भाई साहब आपका 4-, ठीक है ये आपका 4- हो जाएगा, समझ में आ रहा है, जितना चार्ज इसका है उतना ही चार्ज इसका होगा, तो आपके कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, अरे चाचू चाचू देखो देखो यहाँ पे क्या है K4FeCN6, ठीक है हम जुदा हो गए, ठीक है तो यहाँ पे क्या बना भाई साहब आपका K+ बनेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे चार है तो ये 4K+ बनेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4-, ठीक है तो ये हो गया आपका FeCN6 और ये हो गया आपका 4-, चार्ज वाइज देखो इधर +4 इधर -4, तो ये आपका न्यूट्रल राइट हैंड साइड, न्यूट्रल राइट हैंड साइड, बाकी सारे चार्ज बैलेंसेज है। अभी यहाँ पे देखो 4K का बना मतलब 4 मॉलिक्यूल इसके हो गए और इसका 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 और ये अपॉन 1, तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना आ गया आपका 5, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है चलिए इसमें आते हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने बन गए आपके, जनरली 5, ठीक है तो आपका भाई साहब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है यहाँ पे, ओनली 75% इज इट आयोनाइज्ड, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया 0.75, और भाई साहब यहाँ पे हो गया 5-1, ठीक है तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है ओके। इफ K4F इज 100% आयोनाइज्ड अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा बोलो, ये अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी और कुछ नहीं है भाई साहब, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 1, और यहाँ पे कितना है 5-1, सो 1+1 × 4, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 5, I की वैल्यू हो गई भाई साहब 5, क्या ये समझ में आ रहा है, तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब I = 1+α(n-1), ठीक है 1+α(n-1), n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन, क्लियर है ओके ओके ओके। अभी जैसे समझो सपोज सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सल्यूट एच ए इन 1 लीटर सोल्यूशन, एच है और ए कुछ भी सल्यूट है, ठीक है विच डिसोसिएट्स एज H+ and A-, लेट इट बी 50% डिसोसिएटेड, तो भाई साहब 50% अगर डिसोसिएशन हुआ है इसका तो आपका अल्फा का वैल्यू बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा 0.5, समझ में आता है भाई साहब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, अगर आप बोल रहे हो 50% डिसोसिएशन तो अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज हाउ मच 0.5, ठीक है ओके। एच ए की वैल्यू H+ और A- है, ठीक है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे सी, ऑब्वियसली कुछ भी नहीं बना है, ठीक है अगर आपका यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा सी का कितना बनेगा, इसका भी अल्फा सी और इसका भी अल्फा सी है कि नहीं, देखो भाई साहब एक मोल एच ए का एक मोल एच प्लस बना रहा है एक मोल ये बना रहा है, अगर अल्फा सी डिसोसिएट हुआ है तो इसका भी अल्फा सी बनेगा इसका भी अल्फा सी बनेगा, सिंपल है कि नहीं, एक मोल इसका एक मोल एच प्लस बना रहा है और एक मोल ए माइनस बना रहा है, तो अगर इसका अल्फा सी डिसोसिएट हो रहा है तो इसका कितना बनेगा अल्फा सी इसका, अगर अल्फा सी डिसोसिएट हो रहा है तो सी माइनस अल्फा सी, ये हो गया अल्फा सी और ये हो गया भाई साहब अल्फा सी, सो टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे कितना बचा आपका 1-0.5 + 0.5 + 0.5, ठीक है क्या ये समझ में आ रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये कितना हो गया 1.5 C, आर वी क्लियर, ठीक है ओके। आई की वैल्यू क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो यहाँ पे कितना है भाई साहब 1.5 C और ये C, तो आपका हो गया 1.5, सिंपल इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा I = 1+α(n-1) ही करना पड़े, ठीक है क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, सो दिस विल बी 1.5, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ठीक है अगर आप ऐसे भी करना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, देखो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 1+α की वैल्यू कितनी है 0.5 है 50% डिसोसिएशन तो ये हो गया 0.5, अब बताओ मेरे को कितने पार्टिकल्स फॉर्म हो रहे हैं 2,
तो 2 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस 0.5 इंटू 1, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 0.5, दैट विल बी हाउ मच 1.5, सेम सेम आंसर, क्लियर है, सेम आंसर यू गोइंग टू गेट, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है, ओके ओके ओके। तो अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है आपका अल्फा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, बढ़ जाएगा, जैसे ही बढ़ जाएगा आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंपैक्टेड हो जाएगा, ठीक है, ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भाई साहब क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गए, मोलालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑल दीज विल गेट इंपैक्टेड, ठीक है, सो सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन केसेस ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज बिकॉज योर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर गोइंग टू इंक्रीज, सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है, ओके, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है, अब मोलर मास डिक्रीज ही होगा ना भाई साहब, देखो सोडियम क्लोराइड ये कितने का था 36.5, नहीं आपका 35.5 हो गया, क्लोरीन और 23, तो कितना हो रहा है भाई साहब 58.5, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है 58.5, डिसोसिएट हो रहा है, अभी 23 अलग और 35.5 अलग, तो टूट गया ना भाई साहब, ठीक है, तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, आपके सॉल्यूट का मोलर मास डिक्रीज होगा, ठीक है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इज लेसर देन द एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास, तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास विल बी लेसर देन द एक्सपेक्टेड, ओके, इसी तरह से भाई साहब हमको बीटा देखना है, ठीक है, ओके, द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, बीटा इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, जैसे अल्फा इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, वैसे बीटा आपका, सॉरी अल्फा इज द एक्सटेंट ऑफ मेजर ऑफ डिसोसिएशन, वैसे बीटा क्या है, एक्सटेंट ऑफ मेजर ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द मेजर ऑफ द एसोसिएशन इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट, नाउ सम ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स अंडरगो एन एसोसिएशन, जैसे डाइमर, देखो ऐसे ही बनता है पॉलीमर, बेसिकली डाइमर कैसे बन रहा है, एसिडिक एसिड है, इसके दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके ये बना रहे, इट इज फॉर्मिंग अ डाइमर, ठीक है, CH3CO डबल बन गया ये, ठीक है, ओके, सो सम ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स अंडरगो एन एसोसिएशन इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक एसिड डाइमराइजेस इन बेंजीन, एसिडिक एसिड को अगर आपने बेंजीन में डिसॉल्व किया तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन डाइमर बन जाएगा इसका, आपने पॉलीमर का नाम सुना है ना, तो पॉलीमर क्या होता है, ऐसे ही भाई साहब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका वो बढ़ता जाता है, नंबर बढ़ता जाता है, तो यहाँ पे भी आपका क्या बन गया, डाइमर, वाई, बिकॉज इट इज 2, ठीक है, सपोज सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इन 1 लीटर सोल्यूशन दैट कंबाइंस टू फॉर्म एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, तो एन बी क्या बना रहा है भाई साहब, बी एल, समझ में आ रहा है, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ बी आर एसोसिएटिंग टू फॉर्म बी एल, देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिडिक एसिड आर एसोसिएटिंग टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, सो एन ऑफ बी इज कंप्राइजिंग टू फॉर्म बी एन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली बात क्या हो गया, ये सी और ये हो जाएगा 0, ओके, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सी माइनस सी इंटू बीटा, अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, सी एन बीटा का बनता है बी एन, ठीक है भाई साहब, ओ भाई साहब, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एन बीटा का बन रहा है बी एन, ठीक है, मतलब अगर आपका भाई साहब यहाँ पे जैसे 2 का बनेगा 1, 3 का बनेगा 1, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ये n का बन रहा है 1, ठीक है, तो आपका c बीटा का कितना बन जाएगा, देखो n का बन रहा है 1, तो 1 का कितना बनेगा 1/n, ठीक है, तो c बीटा का कितना बन जाएगा c बीटा बाई n, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, देखो यहाँ पे n बीटा का भाई साहब बन रहा है कितना 1, एक मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ पे n का बन रहा है 1, n मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मिंग 1 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे 1 का कितना बनेगा 1/n, तो अगर c बीटा आपका एसोसिएशन हो रहा है तो c बीटा का कितना बन जाएगा भाई साहब c बीटा बाई n, क्या ये समझ में आ रहा है, इन केस ऑफ एसोसिएशन, तो i इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, चलो भाई साहब कैलकुलेट करो, यहाँ पे देखो आफ्टर एसोसिएशन कितना हो गया भाई साहब, आफ्टर एसोसिएशन हो गया मतलब इक्विलिब्रियम ये वाला, सो i इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स दैट इज c माइनस c बीटा प्लस c बीटा बाय n, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, तो ये हो गया c, ओके, तो c कैंसिल 1 माइनस अंदर नीचे बचेगा 1, तो 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाय n, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, तो आपने भाई साहब 1 प्लस बीटा को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 बाई एन माइनस 1 हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है भाई, कर लो ना यहाँ पे, तो ये आपका, हाँ, i इज इक्वल टू दिस,
ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस एन बाई एन आ जाएगा, 1 हाँ, तो यहाँ पे कितना हो गया, देखो सी माइनस सी बीटा, सी बीटा बाई एन अपॉन सी, सी और सी सब कैंसिल हो गए, 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई एन, तो 1 प्लस बीटा को आपने कॉमन लिया तो 1 बाई एन माइनस 1, क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब? ओके, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो बीटा को अगर हमने इधर रखा, अगर हमने भाई साहब बीटा को इधर रखा तो सिंपल सी बात है भाई साहब, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई भाई साहब 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई एन, ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस बीटा इंटू 1 बाई एन माइनस 1, ठीक है, ये हो गया आई, तो आई माइनस 1 ठीक है इज इक्वल टू बीटा इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस एन बाई एन, ठीक है। तो अगर भाई साहब अपन ने यहाँ पे बीटा को लिखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई माइनस 1 इंटू एन अपॉन बीटा इंटू 1 माइनस एन, ठीक है, सॉरी ये बीटा तो इधर ही है, 1 माइनस एन ये आ जाएगा भाई साहब आपको, ठीक है, ये आपके एसोसिएशन के टाइम पे होगा, ठीक है। ओके, इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन, तो भाई साहब एसोसिएशन से क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, 2 का 1 बन रहा है भाई साहब, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इंक्रीज हो जाएगा, कैसे भाई साहब, ए प्लस बी सी बना रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब ये वाला जो मोलर मास होगा दिस विल बी मोर देन दिस। एसिडिक एसिड का एक मॉलिक्यूल का मोलर मास देखो, यहां पे अगर आप देखोगे ये एसिडिक एसिड है ना भाई साहब, ये एसिडिक एसिड है, इसका एक मॉलिक्यूल का मोलर मास और इसका भाई साहब एक मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ना इसका, ठीक है। सो द मॉलिक्यूलर मास विल इंक्रीज इन केस ऑफ एसोसिएशन, हेंस ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज मोर देन द एक्सपेक्टेड मोलर मास, ठीक है, ये दोनों में भाई साहब डिफरेंस है, ऑब्जर्व मोलर मास जो होगा वो मोर देन एक्सपेक्टेड मोलर मास, खत्म हो गया क्या? अच्छा ओके, सो बेसिकली पीपल दिस फिनिशेस ऑफ योर चैप्टर इन सॉल्यूशंस, इसमें और कुछ कवर करने लायक तो है नहीं, लेकिन अभी मैं आपके साथ अगले 3 या 4 दिन में जितने भी आपके बोर्ड्स के PYQs आए हैं, ठीक है, जितने भी आपके CBSE एज वेल एज स्टेट बोर्ड में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, दैट्स समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है, प्लस आपके IIT CET और NEET में जितने क्वेश्चंस आए हैं, सो इन द नेक्स्ट 1 वीक वी आर गोइंग टू फिनिश ऑफ विद सॉल्यूशंस एंटायरली, आफ्टर विच यू आर गोइंग टू अपियर फॉर योर बोर्ड एज वेल एज नो आपके IIT वाले टेस्ट में आप अपियर करेंगे। ओके ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे अपन बोर्ड्स का अगर देखते हैं मैं पहले CBSE से स्टार्ट कर रहा हूँ, कल मैं स्टेट, अभी तो हार्डली टाइम बचा है, बट आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद CBSE एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू हैव सीन इन बोर्ड्स टिल नाउ, ठीक है। तो इस टॉपिक से अगर आप देखोगे क्वेश्चंस यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, दीज आर डिफरेंट टॉपिक्स, सॉल्युबिलिटी आपका है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास एंड अबनॉर्मल मोलर मासेस। इसमें भाई साहब अगर आप देखोगे MCQ वेरी शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट आंसर टू और लॉन्ग आंसर्स, तो आप अगर देखोगे दिस इज बेसिकली द रेशियो इन विच द टॉपिक्स हैव कम इन डिफरेंट, ठीक है, मिल जाएगा ये नोट्स, मिल जाएगा आपको ये, मैं यहाँ से जस्ट वंस आई फिनिश इट आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है, आर वी क्लियर? सो दिस इज हाउ द सेग्रीगेशन इज देयर, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं और इन टॉपिक्स पे आप देखोगे यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, दिस इज बेसिकली 1.7 वाला जो टॉपिक है विच इज एबनॉर्मल मोलर मास, उसमें देखो क्वेश्चंस कितने आए, 1.6 वाला जो टॉपिक है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास, उसमें देखो क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, ये ट्रेंड है बेसिकली। 1.5 अगर आप देखोगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में, इसमें तो थ्योरी के क्वेश्चंस ही बनेंगे, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन सवाल वाले क्वेश्चंस ये हैं, ठीक है। ओके, अगर आप देखोगे 1.4 विच इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है, इसमें भी देखिए थोड़ा बहुत बना हुआ है। 1.3 आपका सॉल्युबिलिटी है और 1.2 एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें भी सवाल बनते हैं, और ये जितने भी सवाल आपके आए हैं अभी हमको भाई साहब 2000 पे नहीं जाना है, 2016-17 इज आइडियल, उससे कमी में लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, सवालों के पूछने के ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं भाई साहब पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है, जो बेस्ड है किस पे, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस पे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है असर्शन,
मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर, क्या ये सही है? नहीं. क्यों नहीं सही? नहीं है ना भाई साहब. मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी. और मास या वेट ये कभी भी टेम्परेचर से इंपैक्ट नहीं होता है. तो असर्शन इटसेल्फ इज रॉन्ग. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सिंपल. मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर, दिस इज रॉन्ग. इट डजंट चेंज विद टेम्परेचर एंड दैट्स द रीजन वी टेक इट एज अ कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर इफ टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंसिंग. द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज राइट. तो असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू. तो कौन सा हो जाएगा भाई साहब? असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आ चुका है. ठीक है, सो मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट डजंट चेंज विद टेम्परेचर एज मास डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर. द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन डेफिनेटली चेंजेस विद टेम्परेचर. ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो भाई साहब ये वाला सवाल है आपका. 50 मिलीलीटर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6 मोलर मास दिया हुआ है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, 180. ठीक है, कंटेन 6.02 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन विल बी हाउ मच. देखो सिंपल है भाई साहब. देखो यहां पे कितने मॉलिक्यूल्स ये कंसीडर कर रहा है. देखो 6.02 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. ध्यान देना यहां पे, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 180 ग्राम्स. समझ में आता है ये, है कि नहीं? दिस इज एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज ये हो जाएगा आपका 1 मोल. ठीक है, यहां पे लेकिन दिया कितना है? 22. तो मतलब एक कम हो गया है. 6.02 × 10⁻²² मॉलिक्यूल्स, ये कितना कंसीडर करेंगे भाई साहब? कितना? 180 × 10, दैट इज 18. समझ में आ रहा है? दिस विल बी 18 ग्राम्स. बस ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास. अब भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मोलैलिटी में क्या होती है भाई साहब? मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 मिलीलीटर है ना. अगर मिलीलीटर लिया है आपने तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से. ठीक है, अभी आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 18 ग्राम है. 18 ग्राम अपॉन 180, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट. ठीक है, वॉल्यूम कितना है आपका? 50, और ऊपर कितना है भाई साहब? 1000. ठीक है, सो दिस गेट्स कैंसल्ड. 50 ये हो गया 220, यहाँ पे हो गया 1, और ये हो गया 10, 10 टू जा 20, तो ये हो गया आपका 2. मोलैलिटी हो गई आपकी 2 mm. ठीक है, हाँ नहीं, 18/180 है ना, तो यहाँ पे 1/10 आया, यहाँ पे 20 आया, तो 20 कटा आपसे 10 से, तो 2 से कटा ना, 2 आया ना, 2 मोल्स ना, तो आपकी मोलैलिटी कितनी हो गई भाई साहब? दिस विल बी द मोलैलिटी. थ्योरम पीपलम. सो आपका देखो 2 मोल्स, 2 हो गया मोलैलिटी. क्लियर है? ओके, आपके 2020 का क्वेश्चन है ये, बोर्ड्स का. ओके ओके ओके, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है भाई साहब, तो थियोरेटिकली हैंडल करेंगे इसको. ओके, डिफाइन. अभी भाई साहब ये सब क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं. ठीक है, देखो अगर आप ट्रेंड देखोगे 2014 के हैं, बट स्टिल आ चुके हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, डिफाइन द टर्म मोलैलिटी. अभी आपका एनईपी के स्टैंडर्ड से ये सब क्वेश्चंस डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं. डिफाइन उफाइन अभी नहीं चलेगा भाई साहब. ठीक है, फिर भी डिफाइन. मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एंड इज एक्सप्रेस्ड एज दिस. ठीक है, डिफाइन द टर्म मोलैलिटी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये हो गया आपका मोलैलिटी. ठीक है, और क्या है भाई साहब? डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये सब आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है. अभी ट्रेंड नहीं है इन सब क्वेश्चन का आने का, लेकिन अगर आप देखोगे ये सब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में हैं. ठीक है, और यही भाई साहब उठाकर वहां पे आए हुए. ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब ये क्वेश्चन बनता है. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8% वेट बाई वेट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.02 ग्राम्स पर लीटर. मोलर मास कितना है भाई साहब आपका? 98 ग्राम्स पर मोल. चलिए फटाफट फटाफट. डेंसिटी वाला फॉर्मूला याद है? नहीं. डेंसिटी वाला फॉर्मूला अगर याद होगा तो शॉर्टकट में हो जाएगा. देखो यहां पे आपका क्या दिया हुआ है? H2SO4 है.
और यहाँ पे वेट बाई वेट परसेंटेज दिया हुआ है जो कितना है आपका 9.8%। इसका मतलब क्या है, देखो 100 ग्राम्स अगर आपने लिया सोल्यूशन का, ठीक है, अगर आपने 100 ग्राम सोल्यूशन का लिया तो इसका भाई साहब H2SO4 उसमें कितना होगा, H2SO4 एज अ सोल्यूट विल बी हाउ मच, 9.8 ग्राम्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, तो सोल्यूशन अगर इतना है तो सॉल्वेंट इतना है। अभी अभी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर लो, एन बी विच विल बी हाउ मच, आपका H2SO4 का मास W of B upon molecular mass of B, तो W of B कितना है 9.8 और molecular mass कितना होता है 2 और 32, दिया हुआ है क्या, अच्छा 2 और 32 98, तो ये कितना हो गया 1/10, तो ये हो गया 0.1, ठीक है, ये हो गया आपका NB, क्लियर है, ओके, तो ये तो आ गया। अभी आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट कर लो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ओके, तो मास ऑफ सोल्यूशन अगर आपने 100 ग्राम लिया है, 9.8 लिया है तो 100 ग्राम दे रहे हो आप, ठीक है, तो दिस विल बी मास ऑफ सोल्यूशन 100 अपॉन 1.02, ये हो गया आपका 1.02। कुछ कैलकुलेशन नहीं करना यहाँ पे, फालतू में इसका भाई साहब कैलकुलेशन मत करने जाओ, क्योंकि मोलारिटी में कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो मोलारिटी कितनी होती है भाई साहब, मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ये आपका मिलीलीटर्स में है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, आपकी डेंसिटी जो है यहाँ पे मिलीलीटर्स में आए तो ये आपका मिलीलीटर्स में आ जाएगा, ये ग्राम है, ये ग्राम्स पर मिलीलीटर है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हुआ तो मिलीलीटर में आया ना ये, ठीक है, तो उसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आ गया बोलो 0.1, इसको वैसे का वैसे ही रखो, नीचे 100 है और 1.02 चला जाएगा ऊपर 1.02, और भाई साहब किससे मल्टीप्लाइड है 1000 से, कैंसिल हम कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे आपका 1, तो ये हो गया आपका 1 है ना भाई साहब, इसको कैंसिल करो तो 1.02 आ गई आपकी मोलारिटी, 1.02 इज द मोलारिटी, क्लियर है, दिस विल बी द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन, ओके ओके ओके, ये हो गया 1.02 m, क्लियर है पीपल, हम ओके। ए भाई साहब ये भी एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है भाई साहब 2014, देखो वहां से पैटर्न चेंज हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी और मोलारिटी क्या क्या होता है भाई साहब, मोलारिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वॉल्यूम इज बेसिकली समथिंग विच इज इंपैक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है, ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 केजी दैट इज नोन एज मोलारिटी, ठीक है, If mb is the molar mass of the solute, d is the density of the solution, then molarity कितनी हो जाएगी भाई साहब? m is equal to md upon 1 plus m into mb. ये बहुत important है भाई साहब. Molarity is equal to m into d, ठीक है? Upon 1 plus m small m, ये हो गया m और ये हो गया भाई साहब आपका b upon 1000. ये बहुत important है भाई साहब, ठीक है? तो ये आपका m क्या हो जाएगा यहाँ पे? Molarity. This is molarity. ठीक है, आपका स्मॉल m इज व्हाट बच्चा पार्टी, स्मॉल m इज मोलालिटी, दिस इज मोलालिटी, ठीक है, मोलालिटी, और आपका mb इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और भाई साहब और कुछ बचता है यहाँ पे, d डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, d इज बेसिकली व्हाट, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ये हो गया आपका डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, क्लियर है, ओके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपके कंपटीशन पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ओके ओके ओके। भाई साहब एक मिनट, अतुल सर मेरे को मारेंगे भाई साहब, रुको रुको, जाओ कहां जाओ,